शुरुआत करेंगे हरदा से। हरदा के होली फेथ स्कूल में परीक्षा से 2 दिन पूर्व पेपर का सिलेबस चेंज होने पर विद्यार्थी एवं छात्र संघ के द्वारा स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की गई। विद्यार्थियों का कहना है कि 2 दिन पूर्व सिलेबस चेंज होने से वहां इतने कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा परिजनों के साथ अभद्रता करने के चलते एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थी एवं उनके परिजनों के साथ स्कूल के बाहर धरना दिया। आपको बता दें सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 12वीं के फिजिकल एजुकेशन का पेपर बदलने से ये गतिरोध बना हुआ है। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए एक समिति बनाकर जांच के लिए अग्रसर कर दिया गया है। बच्चों के कथन के आधार पर संपूर्ण जांच कराई जाएगी। कक्षा 12वीं का जो फिजिकल एजुकेशन का प्रश्न पत्र जो 13 तारीख को सीबीएसई बोर्ड के द्वारा होना है, उसमें कुछ बच्चों के द्वारा शिकायत की गई है कि उनको 15% सिलेबस कम कराया गया है। इसकी समिति की जांच बैठा दी गई है और बच्चों के कथन और संपूर्णता के साथ समिति जांच करेगी और पेपर 13 तारीख को है। अगर वो आउट ऑफ सिलेबस होता है तो उसके संबंध में इनके रीजनल ऑफिस को पूरी जांच रिपोर्ट कलेक्टर सर के माध्यम से भेजेंगे। सर, स्कूल प्रबंधन से भी बात हुई, क्या बात हुई सर आपकी, क्या बात सामने है? अभी चूँकि परसों पेपर है तो तात्कालिक समाधान ये निकाला गया है कि एक हमारा गवर्नमेंट टीचर भी यहाँ रहेंगे, साथ में बच्चों के जो डाउट्स हैं एक एक्स्ट्रा क्लासेस का है, दिन भर कल भी आज भी क्लासेस लगेगा और कल भी इनकी क्लासेस लगाया जाएगा। बच्चों को भी आपने करा दिया है कि आप यहाँ निर्भीकता के साथ आएँ। अब 10 तारीख गुरुवार को, आज 10 तारीख को उनके पेपर का वो सिलेबस चेंज कर रहा है और जब बच्चे उनके पास जाते हैं बोलने कि हमारा सिलेबस ये, तो उनके माता पिता को उनसे अभद्रता व्यवहार किया जाता है, माता पिता को मारने स्कूल के। आज हम लोगों ने स्कूल की घेराबंदी करके पूरा आंदोलन किया है, ज्ञापन मेरे हाथ में है, ज्ञापन जो कि अभी तक सर ने लिया नहीं है। उसका रिजल्ट जो है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कमेटी बनाई है जो कि उसके सिलसिले में एसडीओपी मैडम अभी अंदर बात कर रही है। जो भी उसका निर्णय होता अभी हम बैठे हैं, अभी निर्णय हुआ नहीं है और निर्णय जब तक नहीं होगा विद्यार्थी परिषद यहाँ से नहीं उठेगी। मेरा नाम समीक्षा सिटोके है और हम लोग क्लास 12th के बच्चे हैं होली फेथ स्कूल के, और हमारी समस्या ये है कि हमारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, आज है 11 तारीख और 13 को हमारा पेपर है, पर इस बारे में और हमारा सिलेबस चेंज हो गया फिजिकल एजुकेशन का, और इस बारे में हमें अभी पेपर के 2 दिन पहले बताया गया और वो भी स्कूल प्रशासन ने नहीं बताया है, मैडम ने नहीं बताया है। ये बात हमारी क्लास के एक लड़के को पता चली और उसने ये बात मैम से कही तो उल्टा हमें ब्लेम किया गया कि ना आप लोगों की गलती, आपको पहले बताना चाहिए कि हाँ से सिलेबस चेंज हो गया है। चेंज हुआ है उसके लिए जब इन्फॉर्मेशन आई हमने बच्चों के साथ सिलेबस शेयर किया, इवन नोट्स भी हमने शेयर किए और तुरंत हमने एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाए हैं। अब आज भी कल भी बच्चे आके हमारे साथ बैठकर पढ़ाई की है बच्चों ने और संतुष्ट जो बच्चे आए हैं हैप्पी होके सेटिस्फाइड होके वो बच्चे घर गए हैं, और जो बच्चे अभी आना चाह रहे हैं पढ़ाई करना चाह रहे हैं हम वी आर रेडी, हम रेडी हैं उस बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज भी रेडी है, कल 9 o'clock